Hello, camera. Camera started? Okay, let's come to the detail. Heredity का logic है. अगर आप notice करें, आप सारे अपने आप को smart मानते हैं. मैं smart हूँ. Switch off. Right? और वो light भी करते हैं. Light भी करते हैं. मैं smart हूँ. मैं handsome हूँ. It is not you because it is not you. You are smart or you are beautiful. कुछ नहीं है sir. It's or I am very handsome. It is not like that. It is in my genes. यार मैं genes ही क्या है? So simple language में भाई heredity है. हम खानदानी smart लोग हैं. My parents are smart. Therefore I am smart. अगर कोई आपको वो दे कि आप smart नहीं हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा खानदान smart नहीं है. तुम मेरे parents पे जा रहे हो? Logically, because whatever we are today, we have acquired all the traits or all the characters from our parents, except intelligence. Intelligence is something that is acquired. ये मत सोचना सर मैं नालायक हूँ मेरे घर वाले भी नहीं पढ़े राइट तो जरूर मैं नहीं पढ़ पाता मेरे फैमिली में ऐसा नहीं है डॉक्टर भैया और भीमराव अम्बेडकर की पूरी फैमिली अनपढ़ थी वो पता नहीं क्या क्या बन गए तो यहीं से एक एग्जांपल है जो चीजें वो एक्वायर्ड ट्रेड्स होती है और जो आपको जेनेटिकली मिलते हैं दैट इज जैसे कि हेयर्स का देखे कि किसी के बच्चे के कर्ली हेयर्स है तो जैसे कि हमारी क्लास में आरव है तो मैंने उससे डिस्कस किया है तेरे ना उसके फादर के कर्ली हेयर से ना उसके मम्मी के मैंने कहा तुम्हारे कर्ली कैसे कहता मेरे मामा के हैं दैट इज एक्वायर्ड ट्रेड बाय फादर तो आप लोग भी कई करेक्टर कोई कहता है मम्मी कहती है ये ना बिल्कुल अपने मामा पे गया है या मामा पे गई है या नानके पे गई है पापा नहीं नहीं ये तो मेरे पापा पे गई है लड़ाई होती है राइट तो आंखें नाना पे है नोज मामी के है किसी के भी तो वो जो ट्रेड्स है दैट इज अ That is a part of heredity. हम इस बारे में ये पढ़ेंगे traits क्या है कैसे आते हैं क्या नहीं आते okay और let's go with it now okay तो थोड़ा सा introduction देखते हैं इनको अब आप यहाँ पे figure दे आ recognize the figure of a human being or any other character like height complexion shape of hairs colors of eyes and shape of nose and chin are called characters or traits ये सारे क्या है जो recognizable features हैं सब notes everything is in the notes ये जो recognizable features हैं, आप notice करेगा कि आप सबके faces कहीं ना कहीं आपकी family को reflect करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको जानते भी नहीं होंगे अच्छी तरह कहेंगे, ओए तुम उसके बेटे हो, आपको ऐसा था, शक्ल नहीं है, right? Does it happen? Yes, sir. तो वो जो traits हैं, तो अब जैसे यहाँ पे हमने photo लगाई है बेटा है, अब यहाँ पे इसका दिखा है, eyes इसने father की ली, ears father की ली, hairs मम्मा के मेरे को भी गंदा सा लगा देखो ठीक है तो आप देखिए हाइट कई लोग कहते हैं कि मेरी हाइट है अरे हमारी फैमिली की हेरिडिटी हो सकती है लाइक हम तो जाइंट लोग थे तो हम लंबे लंबे हैं तो कईयों की हाइट कम है कईयों की हाइट नॉर्मल है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द हेरिडिटी इट इज नॉट लाइक दैट कि मेरे पेरेंट्स छोटे तो मैं बड़ा नहीं बड़े कम चांसेस होते हैं हो जाते हैं लेकिन द चांसेस आर लेस तो हम उसके फुल डिटेल में जाएंगे ओके द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी सो ये जो कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स से आप में आए हैं दिस पार्ट दिस इज नोन एज अ हेरिडिटी इट इज ओके गाइस रीत आपको समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ सो दिस पार्ट इज लिटिल बिट क्लियर की जो व्हाट इज हेरिडिटी द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ए ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी नाउ सी दिस
two parents, a male and a female, are involved in the sexual reproduction and sexual reproduction organisms produce sexual or gametes. Right? So, gametes se aage jaake baby bante hain aur uske baad they have the features. The male gametes fuses with female gametes, which gradually develop into a young one, showing some similarities with the parents. Yaad rakhna, it is always a similarities, not exactly copy. Jab bhi ek offspring hota hai, wo parents se exact copy hota hai, there is always some variations. These variations are sometimes visible and sometimes not visible. And sometimes these variations are visible over the period of time. Over the period of time, matlab, kuch few generations baad hume wo features nazar aate hain. Got it? Yes, sir. This part is clear? Yes, sir. Okay. Yes, the heredity information is present in the gametes of the parents. Now, the heredity information कहाँ होती है? Parents जब sexually reproduce करते हैं, दोनों parents के hereditary जो gametes होते हैं, gamete sex cells होते हैं, उससे उनमें transfer होती है और उसके बाद ये transfer होने के बाद याद रखना, दोनों के characters आते हैं. Keep it in mind, दो characters हैं, जैसे hairs का है. Suppose करें कि mother के hair straight है, father के curly है. तो दोनों के characters baby में हैं. इन दोनों में से heredity में से एक डोमिनेटिंग होता है और एक रिसेसिव होता है. जो डोमिनेटिंग होता है उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं बच्चे में शो होते हैं दूसरे के एज इट इज. तो वो हो सकता है अगली जनरेशन उसकी नेक्स्ट जनरेशन में वो वाले दिखने लगे. सो ये दस गेमेट्स कंस्टिट्यूट्स अ लिंक बिटवीन वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट एंड पास ऑन द पेरेंटल एंड मैटरनल कैरेक्टर ट्रेट्स टू द ऑफस्प्रिंग. द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द गेमेट्स ऑफ द पेरेंट्स. Okay, अब बात करते हैं variations. Now, मैंने भी जैसे बात की, there is always some variations when from the parents to the offspring. Although they have received the characters from the parents, right? But there is always some variations. The offsprings inherit the characters of the parents and resemble them very closely. Please keep it in mind. It resembles them very closely, right? That is not exactly the same. This resemblance is not complete in all respects. There is always some the difference in the traits of an offspring in respect of parent. अब ये जो changes होते हैं ना, ये क्यों होते हैं? So variation leads to evolution, which is necessary for the life to continue. Yeah. अब देखिए जैसे कि हम लोग जिस area में रह रहे हैं, we are living in the gas chamber. It is called the Delhi is a gas chamber. The kind of pollution it has. So अब जो नई generation आ रही होगी, उन्होंने थोड़ा बहुत अपने आप को ना change किया होगा. कि दे कैन एब्जॉर्ब मोर स्मोक काइंड ऑफ. या जो गर्मी में लोग रहते हैं ज्यादा हीट में, जैसे हम लोग का भी नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास रहता है, तो हम लोगों में जो नई जनरेशन आएगी हो सकता है कि दे आर केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग दिस काइंड ऑफ टेम्परेचर. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5-10 जनरेशन बाद वो नेक्स्ट जो जनरेशन होगी वो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी जो 45-50 डिग्री में भी फीलिंग नहीं आती होगी. देखें जैसे अफ्रीका के लोग है तो हमारी तो नहीं, बट विद द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो वो जो वेरिएशंस है वो क्या होती है सर्कमस्टेंसेस के ऊपर होती है. किसके ऊपर होती है? सर्कमस्टेंसेस के ऊपर. होता है कोई डेवलप करता है वेरिएशंस लाता है, कोई नहीं लाता. वो जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रहे हैं, जो चेंजेस आपने अंदर एटमॉस्फेयर में चेंज हुई, अब दो बच्चे एक ने वेरिएशंस लाए चेंज हुआ दूसरा नहीं लाया, जो नहीं लाया वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिनिश हो जाएंगे और जो ला पाया वो सर्वाइव कर पाएंगे. अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे इसके ऊपर. These differences are known as variations. The resemblance is not complete in all the respects. There is always some difference in the traits of an offspring from the parent. And this difference in the traits is known as variations. Why does this variations take place? The variation is the occurrence of difference among the individual or species. जैसे कि example people have different height, their complexion, type of hairs, colors of eyes, shape of nose, shape of chin shows the differences. अब देखिए जो ठंडी जगहों में लोग होते हैं उनकी हाइट छोटी होती है, छोटे से ना पहाड़ों में जो होते हैं उनकी हाइट छोटी होती है, लंबी जगहों में हाइट कम होती है. पता नहीं क्या होती है, छोटी जगहों में तो पता है कि उनकी बॉडी जिससे कि हीट को एब्जॉर्ब करके रखे, ज्यादा लंबी होगी तो हीट बॉडी में ज्यादा जाएगी और लंबी बॉडी में हीट जो होगी ट्रांसफर ज्यादा होगी तो उससे बॉडी को गर्मी प्रॉपर नहीं मिलेगी. बट छोटी जगहों में लंबी क्यों होती है पता नहीं, सर्च करूंगा. The difference in the characters among the individual of a species is called variation. So what do you mean by variation? The difference in the characters among the individual of a species is known as variation. देखो हम लोगों में variation है. अगर हम notice करो अपने आसपास किसी के ear lobes में
ये गैप है, किसी ये लोग बिल्कुल चिपके हुए होंगे, तो नोटिस करना ये वेरिएशन है। आप लोगों को पता होगा आपका नोज जो है ये ईयर लोब आपके धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं विद ओवर द 100-200 यहाँ पे ईयर लोब खत्म हो जाएंगे। आज से कुछ लाखों साल पहले हमारी हम लोगों को पेड़ों में रहने की आदत थी, हम ना हाथों से पेड़ पे लटकते थे ना पैरों से, हमारी पूंछ होती थी, वी हैव द टेल जिसको टेल बोन कहते हैं हमारी बैक बोन। धीरे धीरे हमने चलना शुरू कर दिया ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर, उसकी जरूरत खत्म होगी, वेरिएशन होती है छोटी 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 होती है गायब, लोअर पार्ट। अब जैसे कि यहाँ पे देखे लोअर पार्ट ऑफ ईयर इज कॉल्ड ईयर लोब। अब यहाँ पे देखिएगा this guy has a very small ear lobe, this has a very big ear lobe. In most of the people the ear lobe is hanging and it is called free ear lobe. But kaiyon mein variation thai, in some people however the ear lobe is closely attached to the side of the head and it is called attached ear lobe. Thus free ear lobe and attached ear lobe are the two variations found in human beings, right? अब देखो हम लोग पता है कि अब सारा काम हम कंप्यूटर से करते हैं, फिंगर साथ साथ चाहिए, तो मेरे हाथ में वेरिएशन आ रही, माई फिंगर्स आर गेटिंग स्टिक नाउ, चिपकी हुई है, किसी उसकी नहीं होगी, ये स्मार्ट लोगों की वेरिएशन है, चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम, सो डोंट फील दैट इट विल बी विद यू, ये बच्चों ने पहली बार चिपक दिया, मैं निकाली नहीं, धीरे धीरे वहां पे स्किन डेवलप हो गई, सोच अगर मैं ऐसे चिपका देता तो नहीं है भाई उसके भी नहीं। अरे एक एलन मस्क और दूसरा मैं, इन्हीं को लोग इन्हीं को लोग एलियन कहते हैं, बाकी किसी को क्या है? सर आपके भी तो है। हाँ तो है ना, थोड़े बहुत तो इंसानों की तरह दिखूंगा ना, नहीं तो मुझे पकड़ के लैब में नहीं डाल देंगे। दिस पार्ट इज ओके, ओके। वेरिएशन ड्यूरिंग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते जहाँ पे एक ही जैसे एम्यूबिया हाइड्रिया वो ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर भी वेरिएशन होती है या नहीं होती, उनके अंदर जो वेरिएशन होती है वो बहुत ही लिमिटेड, दैट इज वेरी लिमिटेड। सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस इन ए सेक्शुअल वेरिएशन बट इट इज वेरी स्मॉल। द नंबर ऑफ वेरिएशन प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज हाउएवर वेरी लार्ज। किसी का एक डोमिनेटिंग आ गया, किसी का दूसरा डोमिनेटिंग, तो जैसे हेयर्स और आईज का कलर तो वेरिएशन आ गई, रिजेम्बलेंस चेंज होगी, मदर से ब्लू आईज ले ली, फादर से कर्ली हेयर्स ले ली, तो अब जो नया किड हुआ कर्ली हेयर्स विद ब्लू आईज, तो ये दिस इज कॉल्ड अ वेरिएशन। लेकिन अब उसके अंदर एक ही सेल है, वो ही अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है, अपने लिए रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके पास तो कहीं उसे वेरिएशन आएंगे नहीं, देखो तो अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल। द शुगरकेन प्लांट रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड शुगरकेन प्लांट्स ऑलमोस्ट लुक अलाइक, पूरे पेड़ देखो सारे एक जैसे होते हैं, यस दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द स्मॉल, देयर इज अ व्हेन दे प्रोड्यूस अ सेल इज ओनली, ठीक है, बट द वेरिएशन इन वेरी वेरी स्मॉल, सो दैट इज बिकॉज़ ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में से भी देखो जो वेरिएशन है ना, दैट इज कॉज्ड बाय द मेनी फैक्टर्स, दैट इज कॉज्ड बाय द चेंजेस इन द जीन्स, दैट इज कॉज्ड बाय द एनवायरनमेंटल फैक्टर्स, देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच आर देयर, सो अभी आप ये देखो कि एक जीन्स के अंदर भी चेंज आ जाते हैं और दूसरा चेंज एनवायरनमेंटल फैक्टर्स से। But in animals which reproduce by the process of sexual reproduction, a large number of variations are produced. It is due to these variations that no two human beings look alike, except identical twins. Twins भी दो तरह के होते हैं, एक photocopy और एक duplicate. पक्का? नहीं, photocopy exact हो गया और duplicate. Duplicate तो भाई similar है ना? Similar. तो सब एक दूसरे के सिमिलर हो, उसकी बायोलॉजी हो रही है, एक सेल से अगर दो आते हैं तो वो आइडेंटिकल होते हैं, और अगर दो अलग अलग सेल बनाते हैं तो अलग अलग होते हैं, आइडेंटिकल बिल्कुल, जैसे दो भाई होते हैं राम और श्याम, कभी एक जगह ही, हाँ
और जैसे राम और श्याम मूवीज आती है ना कई बार पता ही चलता सर आइडेंटिकल में कई बार होता है कि एक सर दूसरे सर को मतलब मर्ज ला देते फिर एक ही बच्चा आते जब शुरू में खाते लेकिन दो होते हैं The variation is necessary for organic evolution. You are seeing this kind of evolution here? The reproduction of organisms produce variation. The variation produced in organism during successive generations get accumulated in the organism. Now, look at the variation. There are 5 children. 4-5 generations are like this. After that, the generation is a little older. There will be a micromillimeter difference. There will be a generation that is a micromillimeter smaller. Over the 100 years, what will you see? Earlobes will die. जैसे आईब्रोज है अब आईब्रोज के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले कुछ सालों में आईब्रोज भी होंगे बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ जस्ट थिंक ये हमें फीलिंग है बिकॉज वी आर सीइंग वी आर एक्चुअल ऑफ सीइंग दिस एक इंसान मुस्टैक्स रखता है जो तो कंटिन्यूस रखता है जो हटाता है तो बड़ा बुरा सा लगता है लेकिन थोड़े टाइम बाद ठीक दिखने लग जाता है दिस इज बिकॉज अवर माइंड इज अडैप्टेड टू सी अ पर्सन लाइक दैट जब सोचो आईब्रोज नहीं होंगे कितना खर्चा बचेगा आईब्रोज है ना जेलस भी खत्म हो जाएगी उसकी कितनी अच्छी आईब्रोज है मुझे बॉयज को तो पता ही नहीं होता अच्छा ऐसा भी होता है अच्छा आईब्रोज का यूज क्या बॉडी हेयर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस पे निकालने के लिए जॉन्स को रोकने के लिए वो जरूरी है आईब्रोज में सेलेट डस्ट वगैरह के लिए और चीजों के लिए बड़ा काम पता नहीं क्यों कोई तो होगा यार रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस वेरिएशन द वेरिएशन प्रोड्यूस्ड इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सक्सेसिव जनरेशन इज एक्युमुलेटेड इन द ऑर्गेनिज्म दिस वेरिएशन गेट एक्युमुलेटेड एंड ओवर द जनरेशन दिस वेरिएशन आर विजिबल एंड वी कैन सी द डिफरेंस जैसे कि सोचो आज से लाखों साल पहले कार्तिक की पूंछ थी उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन हुई इसकी 1 मीटर थी उसकी 99.9 सेंटीमीटर देखो डिफरेंस तो फील नहीं हुआ लेकिन 10 जनरेशन बाद हर बार 1 सेंटीमीटर कम होने लगी तो डिफरेंस आया और 100, 200, 500 जनरेशन और पूंछ ही गायब वो वेरिएशंस कब चेंज हुई ओवर द एक्युमुलेशन ऑफ टाइम लाइक 8, 10, 15 जनरेशन के बाद वो फील हुआ वो यार इनकी तो पूंछे लगातार छोटी हो रही है मतलब 95 सेंटीमीटर हो गई और 100 थी कार्तिक समझ आया बात है तुम्हें समझ आया नहीं आया गर्व को बड़ा अच्छे से समझ आ गया इज इट ओके द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेरिएशन शोज अप ओनली इफ इट इज कंटिन्यू टू बी इनहेरिटेड बाय The offspring for several generations. कई बार ऐसा होता है कोई जैसे कोई चीज आई वेरिएशन आई वो एक ही जनरेशन में उसके बाद वो वेरिएशंस कंटिन्यू होना बंद हो गया तो वो वेरिएशंस फील नहीं होगी जैसे 0.1 सेंटीमीटर पूंछ छोटी हुई करती और नई जनरेशन में नहीं हुई तो 0.1 सेंटीमीटर ऑब्वियसली ले लो हो गई होगी छोटी लेकिन अगर वो हर बार 0.1 कम होती रहती है ओवर 100-200 ईयर्स बाद तो सोचो कितनी बड़ी डिफरेंस फील होता है फिर इसको क्या कहते हैं छोटी पूंछ वाला बड़ी जोर से यस बोला था आपने तो मैंने पूछा आपसे मैं थोड़ा पूछ लू जैसे इसके ऊपर ना कई एग्जाम्पल आते हैं बियर्स वगैरह के भी एग्जाम्पल आते हैं जैसे कि एक सिंपल सी बात देखते हैं एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं कि डियर जैसे जानवर थे राइट वो दे लिव्स इन अ हर्ड वो एक जगह पे रह रहे थे अब हुआ क्या कि कुछ डियर्स दूसरी जगह चले गए जंगल पार करके और ऑल ऑफ अ सडन अर्थक्वेक आया और वहां पे कोई रिवर बन गई बीच में राइट नाउ दे आर सेपरेटेड फ्रॉम दोस लैंड द लैंड हैज बीन सेपरेटेड
इट इज वेरी कॉमन इन द नेचर कि बीच में आग टूट गई, कुछ हम लोगों को पता नहीं चलता. तो अब वो जो डियर्स उधर थे वहां पे ज्यादा फॉरेस्ट नहीं थे, देयर इज अ ग्रासलैंड एंड दे कीप ईटिंग द ग्रासलैंड एंड एंजॉयिंग इट. बट ओवर द टाइम दिस ग्रासलैंड गेट्स ओवर एंड नाउ दे हैड द टॉल ट्रीज, दे हैड द टॉल ट्रीज. तो अब क्या हुआ कि अब जो उनकी नई जनरेशन आ रही थी तो उनके अंदर एक वेरिएशन आने लगी कि उनकी नेक्स्ट लंबी होने लगी बिकॉज देयर वाज नो ग्रासलैंड्स देयर. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम their necks keeps on growing, वो heredity change होती है और वो एक नई species बन गई लंबी neck वाले जिनको so getting it heredity में जो changes आते हैं तो जो variations है it takes a time to get visible in a organism. ये point clear है सबको? Yes sir. The significance of the variation shows up only if it is continued to be inherited by the offspring for several generations. अब जैसे example देखिए, एक bacteria है, उस बैक्टीरिया के दो बच्चे, तो दोनों बैक्टीरिया आपस में क्या हुए? भाई भाई, राइट? भाई बहन भी हो सकते हैं. ऐसा क्या? यस सर. मैं भी आज से मैम को भाई बोलूं. ठीक है, सही रहेगा. रिस्की है. इट इज रिस्की बट ओ भाई पता चलो उन्होंने राखी बंधु भी पैसे भैया बीवी पैसे निकलवाने के लिए कुछ भी कर देते. ये वीडियो मैम तक नहीं जानी, नहीं तो तुम बोलोगे सर बड़े अच्छे इंसान थे. चलो अब दो भाई थे, जेंटलनेस वर्ड है भाई. दो भाई बैक्टीरिया थे, एक के अंदर वेरिएशन आई कि वो एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता, वेरिएशन थोड़ी सी आई. और दूसरे ने बोला मेरे को नहीं करनी है, मैं ऐसे ही बड़ा अच्छा सुहाना मौसम में मैं अडैप्ट करता हूँ. ओवर द जनरेशन ऑफ टाइम वो वेरिएशंस दे कीप ऑन एक्युमुलेटेड. पहले कुछ 1% हुआ होगा, नेक्स्ट जनरेशन 1 का और एक्स्ट्रा बढ़ा और बढ़ा. तो थोड़े टाइम बाद द वन इज केपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन द एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर एंड अनदर. अब वो बेचारे जिस पत्थर में पड़े थे वो पत्थर किसी ने उठा के वोल्केनो पे फेंक दिया. Which one is able to survive? So this is the importance of variation. It is the importance of life. If we are not going to change ourselves for with the changing time, we are not going to survive. Business rapidly kind of change होते हैं. पहले हर रेस्टोरेंट वाले 10 लोगों को रखता था डिलीवरी के लिए. आज जो Zomato और इनसे स्विगी से डील करके रख रहा है वो that person is surviving. You also have to change the habits of studying. You have to change yourself for the survival. This example is related to the life also and for the survival also. So these variations are important for the survival in the during the adverse situations. Now let's see the example. For example, suppose two bacteria by asexual reproduction, and again suppose that one of the offspring bacteria has a variation due to which it can tolerate a little higher temperature. Then that of the other. ये variation जैसे दो ही घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चा की पढ़ाई अच्छी है और एक बच्चे की नहीं है, लेकिन एक अच्छा कर जाएगा. लेकिन जो जिसकी पढ़ाई अच्छी थी वो कम पढ़ता था, लेकिन जिसकी पढ़ाई अच्छी नहीं थी उसने मेहनत ज्यादा की, तो रिजल्ट ऑब्वियसली हार्ड वर्कर का ज्यादा बेटर आएगा. लेकिन यहाँ पे हम दूसरी बात करें कि एक के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन था कि इट कैन टॉलरेट अ लिटिल हाई टेंपरेचर, अदर वन वाज नॉट. और ये जो वेरिएशन थी अब ये इनकी नेक्स्ट जनरेशन में क्या होती गई? एडम होती गई, राइट? नाउ द वेरिएशंस ऑफ लिटिल मोर हीट रेडिएशंस विल गो ऑन एक्युमुलेटिंग इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ सक्सेसिव जनरेशन ऑफ दिस बैक्टीरियम, अल्टीमेटली गिव राइज टू वेरिएंट ऑफ बैक्टीरिया व्हिच विल बी हाईली हीट रेजिस्टेंट एंड एबल टू सर्वाइव इवन एट वेरी हाई टेंपरेचर. दिस पार्ट इज क्लियर? सो दिस इज व्हाट द वेरिएशन. आज हम जितने भी लोग हैं हम सब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में से आते हैं. दुनिया में हजारों लाखों चेंजेस हुए, उसमें से जो सबसे फिट थे वही सर्वाइव होकर बचते रहे और बाकी सब खत्म होते गए. सो वी आर नॉट द वीक पीपल, वी आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. डू नॉट अंडरवेट योरसेल्फ. समझेगा? हम तो करते ही है ना. नहीं भाई मुझे भी गर्मी लग रही है.
है सर, सारी हवा क्या आ रही है अब सही हो गया, अभी और ऊपर आ रहा है, अब बिल्कुल सही, अब तो नहीं आ रही, नहीं अब नहीं आ रही, ठीक है, अब मैंने ऊपर कर दिया। The advantages of variation. What is the advantage of variation? The great advantage of variation is that it increases the chance of the survival in a changing environment. Right? This is the advantage of variation. Yes, sir. The accumulation of heat resistant variation in some bacteria will ensure its survival even when the temperature in the environment rises too much due to a heat wave or some other reason. So this is the advantage of variation. और ये variation ऐसा नहीं कि वो ठंड में नहीं रह सकता, उसके अंदर heat resistant की capacity बढ़ गई है, means वो जिस temperature में रह रहा है वो तो रह सकता है, उससे ज्यादा गर्म में भी रहेगा, लेकिन इसके अंदर वो variation नहीं है cold वाली, लेकिन उसको हम फिर वहां भेज दे कहां पे अंटार्कटिका का भाई का बर्थडे ट्री हो ठीक है भाई है ना बैक्टीरिया ऑन द अदर एंड द बैक्टीरिया व्हिच डिड नॉट हैव दिस वेरिएशंस टू विदस्टैंड हीट वुड नॉट सर्वाइव अंडर दीस सर्कमस्टेंसेस एंड विल डाई दिस पार्ट इज क्लियर वेरिएशंस क्या होती है इट इज ओके यस सर ओके द ट्रांसमिशंस ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग्स ट्रेट्स डू वर्ड एंड दैट इज द कैरेक्टर्स ट्रेट्स ट्रेट्स होते हैं दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू द अभी कैसे होते हैं ट्रेट्स आर कैरीड इनसाइड द बॉडी व्हेन द सेल डिवाइड्स एंड आल्सो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द कैरेक्टर फीचर फंक्शन ऑफ ए सेल इन स्टोर्ड इन ए क्रोमोसोम देखिए जब सेल एक नॉर्मल सेल होता है तो उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन दीस क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस इनटू फॉर्म क्या होता है सर जिससे कि ये क्रोमोसोम्स मटेरियल्स कंटेन्स द contains the correct characteristics and these chromosomes carries the genes inside. These chromosomes carries the genes of specific character. हर एक character के chromosomes हैं. ज़्यादा बोलने वाले हैं. ये भी एक character है. ऐसा नहीं है. ये acquired है. हमें पकमन करने की आदत है, तो हम करते हैं. राघव समझ आई है बात बेटा? पक्का? प्रवीण एंड जसप्रीत. अब ये रिद्धि के अंदर नहीं है. घर वाले पूछते हैं बेटा कैसे कहते मेरे को फालतू बोलने की आदत नहीं इतना मत बोला करो घर वाले कहते हैं बेटा ठीक है बोल देती सर मेरे को वेरिएशन से रिलेटेड या प्लीज आस्क सर हम अपनी बॉडी में ऐसी चेंजेस कैसे ला सकते हम नहीं ला सकते मैं कहूं कि आई नीड अ वेरिएशन दैट आई कैन फाइंड द एयर ये देखो जेनेटिकली हमारी बॉडी अपने आप रिस्पॉन्ड करती है सर मतलब नेक लंबी हो गई सर ये देखो जब हजारों उसमें से गए थे उसमें से दो चार पांच थे धीरे-धीरे और बाकी सब मरते गए फिर उनकी जनरेशन आती है अब हमारे अंदर जो भी चेंजेस आएंगे ये मैं चाह के भी नहीं कर सकता आई वांटेड कि मेरे अंदर ऐसी वेरिएशंस आए कि मैं ऐसे हाथ करूं मेरी हाथ लंबा होकर किसी गर्दन पर पकड़ ले राइट इट इज नॉट पॉसिबल ये है तो वेरिएशन ही हो सकता है बट नहीं कर सकता मैं ये किसी के जीन्स जैसे हमारे जीन्स या हमारे ट्रेट्स उस चीज में मॉडिफाई हो जाते हैं हमारे डीएनए मॉडिफाई होने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली विद द चेंजेस हमारी बॉडी उसके हिसाब से क्या करती है अपने अंदर चेंजेस लाती है या हमारे जीन्स में कुछ चेंज होते हैं तो वो होने लगता है जैसे फिजिकल फीचर्स में दीस आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ द जीन्स या ये सोचो केमिकल फीचर्स ऑफ द जीन्स कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं हेरिडिटरी से रिलेटेड हमारी साइंस आज भी बहुत ज्यादा वीक है जेनेटिक्स और हेरिडिटी में हम बहुत वीक आप याद देखिएगा कि विमेंस के एक एज के बाद ब्लैक स्पॉट्स आने लग जाते हैं स्किन दैट इज वेरी कॉमन इसका कोई इलाज नहीं है बिकॉज़ द डॉक्टर्स सेड दिस इज जेनेटिकल एंड वी डू नॉट हैव एनी ट्रीटमेंट इन द जेनेटिक क्योंकि डीएनए अभी ढूंढा ही हमने 15-20 साल पहले अभी तो डीएनए ढूंढा पता चला डीएनए कोई बहुत छोटा सेल नहीं है इसके अंदर ही हजारों चीजें पड़ी है कुछ पता ही नहीं भाई इट विल टेक ओवर अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट्स सो बिहेवियर विल बी हेरिडिटी या बिहेवियर Behavior is not hereditary. एक ही घर में एक अच्छा इंसान भी है बुरा इंसान भी है
है ना, आपका भाई है, मैंने हाँ वो अच्छे इंसान है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप डर क्यों गए? आप अच्छे इंसान हो और वो ठीक है। अब ये क्या है, ये करेक्ट, ये जो है बिहेवियर, ये जो बिहेवियर है दैट इज अक्वायर्ड बिकॉज ऑफ हर बैड थिंकिंग। शी इज थिंकिंग दैट माय ब्रदर सिस्टर इज बैड। किसी को कोल्ड हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा। हमारी बॉडी, सबकी बॉडी अलग है, कौन सी चीज किसको कैसे अडॉप्ट करती है उसके ऊपर है। कोरोना हुआ, बहुत लोग हुआ, जो लोग प्रिकॉशन लेते घर के अंदर बैठे, दिन रात स्टीम लिए जा रहे, बेचारे अगले दिन हॉस्पिटल पहुंचे हुए, कईयों को नहीं हुआ ठीक है। वो राशन वालों किसी को नहीं हुआ, पता नहीं उनको किसी को नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आया। और जितने लोग घर में थे वो सारे हॉस्पिटल, नोटिस किए बात ठीक है। तो ये हमारी एडेप्टेबिलिटी है, तो उसके ऊपर कि मैं चाहूंगा कि ऐसा हो जाए, मेरे चाहने से कुछ नहीं है। माई माइंड सेट शुड बी स्ट्रॉन्ग। एटीट्यूड पॉजिटिव होगा आप चेंज कर सकते, एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो चेंज नहीं कर सकते। वेरी गुड, किसी को भी समझ नहीं आया। ऐसी एनर्जी है बेटा, बोलो। बहुत सारे होते हैं लेकिन नंबर ऑफ और इन ऑल द ऑर्गेनिज्म नॉट सेम। शेर में अलग हो सकते हैं, इंसान में अलग हो सकते हैं। आपको इनमें बोलना सर मेरे अंदर शेर वाले, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं तो शेर पुत्र है। वो पापा जब ये कहते हैं तो ही इज प्रेजिंग हिमसेल्फ राइट, लेकिन पापा ना झूठ, मम्मी बिल्कुल सही कहती है। कदा भाई मम्मी ऐसे तो नहीं कहती, मम्मी ये गुस्से वाली क्यों होती है? नहीं होती पापा सर के आगे गुस्सा करते हैं नहीं, मैं गुस्सा कर मैं बात पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाता हूँ, वो गुस्सा छोड़ अपनी बेसी निकल रही है, बैठ जाता। मेरे को गुस्सा नहीं करता, मेरे को गुस्सा आपके रिजल्ट के लिए आता है, बिकॉज आई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदरवाइज आप देखो 90% आई एम इन द नॉर्मल। अगर मैं गुस्से वाला हूँ तो तुम्हारी हिम्मत नहीं इतना हंस लो, वो देख फिर हंस रही है। During the sexual reproduction, chromosome of each parent is transferred to the new offspring, and thus the new offspring carries two chromosomes of each trait in it. And अब देखो chromosome ना इस तरह से होते हैं cells के अंदर, एक chromosome इधर से आया और एक इधर से, ये एक pair बना, समझे? Yes sir. There are 23 pairs. Yes, there are 23 pairs of a chromosome in a cell of a human being, out of which 22 are identical. ये स्किन टोन का तो दूसरा स्किन टोन का, नोज लंबी होनी चाहिए, नोज पतली होनी चाहिए, दोनों का है। अब दोनों में से जो लड़का हुआ यानी डोमिनेंट हुआ उसका ट्रेट शो होगा, और जो बेचारा मेरी तरह सीधा हुआ उसका ट्रेट शो नहीं होगा राइट। अब जैसे कि एक के आए
ब्लॉन्ड हेयर क्या होते हैं, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। अच्छा ये कहते हैं यस सर, ये सर टेलर सर को नाम से सर आप। अरे बोलो ना अंग्रेजी वाले बाल, सिंपल भाषा सर, मच बेटर सर। कुछ पंजाबी आके अभी तो हम ये पढ़ रहे थे। अब देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वेरिएशन आर इन ह्यूमन बीइंग में एंड स्लोली द न्यू काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग आर गोइंग टू बी पावर। दे वोंट बी हैविंग माइंड, उठेंगे पैदा होंगे मामा मोबाइल Do not let this kind of variation adapted acquired in your body, guys. Please be smart. मैंने एक देखा था मूवी, देखी थी लॉन्ग टाइम बैक लॉन्ग इन माय कॉलेज डेज, उसका मैं डर गया था उस मूवी से, प्लैनेट ऑफ एप्स। मुझे लग रहा है वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट साइड, द वे वी आर डिग्रेडिंग अवर माइंड टुवर्ड्स अ स्टूपिड थिंग्स एंड टॉप फंक एंड इट इज स्टॉपिंग अवर माइंड टू फंक्शन प्रॉपरली। Over the some centuries, I believe that we won't have any mind and we would be captured by the some smarter animals, like chimpanzees are getting smarter day by day. So there are chances that they will be become slaves of them. Planets of Earth movie search करो ढूंढ देखना कहाँ पे जाओगे देखने अगर वो सच हो गया तो। देखिए ऐसे तो ये भी थ्योरी है ना कि हम AI को strong करते जा रहे तो हम AI dominate करेंगे। देखो ये AI strong हो रहा है, वो dominate करेगा। बड़े लोगों में वही लोग बोल रहे हैं जो एआई की रेस में पीछे रह गए। कीप इट इन माइंड, जब कंप्यूटर्स आए थे तो हुआ था ही कंप्यूटर आ रहे हैं, ये 10 लोगों का काम कर लेगा, 10 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्या कर रहे हो, कंप्यूटर्स नहीं आने चाहिए। पूरी इंडिया में स्ट्राइक्स हो गई थी, लड़ाइयाँ हो गई थी, कंप्यूटर इतना काम करेगा लोग काम नहीं कर पाएंगे। बट विद द टाइम वी सॉ दैट कंप्यूटर जनरेटेड मच मोर एम्प्लॉयमेंट, राइट। एआई क्या अपने आप काम करेगा? एआई को चलाने के लिए कंप्यूटर तो चाहिए या अंदर से हाथ निकाले और गिव यू मोर टाइम टू वॉच द रील्स। लेकिन अगर AI में इंटेलिजेंस आ गया सोचने लग गया तो आज भी सोचता है, आज भी सोचता है, खुद अपने हिसाब से सोचता है, आज भी सोचता है। बट उसको ये तो आपके ऊपर है ना कितना कंट्रोल देंगे AI, आप कितना कंट्रोल देंगे उसके अंदर। वो अपने आप जिंदा तो नहीं हो सकता, हमें भी तो जिंदा होने के लिए आत्मा चाहिए, कोई लाइफ में कुछ है, उनको भी जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, कुछ चाहिए, आप कहीं तो कंट्रोल करेंगे। बट इफ इट कम्स टू द बैड हैंड्स देयर आर चांसेस, बट वी डू नॉट नो द फ्यूचर। आप ये इस चीज को सोच के कि आगे इसका फ्यूचर गलत है, आप कुछ एक्सपेरिमेंट ना करो तो आप प्रिमिटिव पर्सन ही बनके रहते हैं। यू हैव टू टेक द चांस, आगे देखिए जाएगी, मरना तो वैसे ही है, AI के हाथे मरो नाम होएगा, तब पहला आदमी है कि हाथों मरने वाला ये रहा। ओके तो यहाँ पे दो अब याद रखना, ये जो पेयर्स हैं, द वन इज फ्रॉम ईच पेयर, वन फ्रॉम द फादर एंड द फ्रॉम द मदर, एंड ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर आइडेंटिकल इन नेचर, दे आर आइडेंटिकल। मतलब हेयर्स के नोज के आईज के एक साथ होंगे, ये नहीं होगा कि एक का आईज का जुड़ गया दूसरे का हेयर का जुड़ गया, ऐसा हो सकता है नहीं। क्रोमोसोम ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर विद आइडेंटिकल ट्रेट्स, यानी कि सेम ट्रेट्स, यानी सेम ट्रेट मतलब ट्रेट का मतलब सेम करेक्टर के पेयर में होंगे, एंड ईच क्रोमोसोम इज डिराइव्ड फ्रॉम वन पेयर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। There are 23 pairs of chromosomes in a cell of a human being, out of which 22 pairs are in male and female, ठीक है, and they are identical. 22 क्या होंगे? Identical. But 23rd pair जो होगा, वो अलग होगा. अगर if it is a man, then it is had X and Y होते हैं, जिसको sex chromosome कहते हैं. In male,
एंड फीमेल इट विल बी एक्सटेंडेड. फीमेल में एक्स और एक्स होगा, मेल में क्या होगा? लेट अस सी दिस. सी दिस क्रोमोसोम. यहाँ पे आप देखिए, ये अगर आप देख रहे हैं एक्स एंड वाई, दिस इज क्रोमोसोम दो मेल. हाँ, दिस इज क्रोमोसोम दो मेल. बाकी ये सारे देखो आप सेम कैरेक्टर के हैं, इनके फीचर्स अलग अलग होंगे लेकिन इन दोनों की जो कैरेक्टर्स है वो सेम है. कैरेक्टर सेम है लेकिन नेचर अलग हो सकती है. ट्रेट सेम है, यानी ये ट्रेट अगर हो सकता है आइस को, ये दोनों आइस के हैं, तो ये हो सकता है ब्लू आइस हो, ये हो ब्लैक आइस हो. ये हो सकता है चिन का, ये मोटी चिन हो, ये पतली चिन हो. राइट भाई, प्लीज मेरा कोई भी कमेंट रेसिस्ट नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ. समझ आई भाई? इसको देखो सर, कोई बात बोलते कहते रेसिस्ट कमेंट दे दिया. देखिए 23rd में कि how why you are smiling, your answer नहीं, there was a smile by looking at the short Krishna, and Krishna puts his face to the left side. I know the reason, otherwise you would be thrown out. Have you brought the fine today? Fine. लाना पड़ेगा शाम को. क्या हुआ? Okay, किसको समझ नहीं आया था? Okay. देखिए 22, देखिए मेल और फीमेल कैसे बनते हैं. अगर एक एक्स सेल फीमेल का होता है और वाई अगर मेल से आता है तो जो नया किड होगा वो क्या बनेगा? मेल. फीमेल ऑलवेज गिव्स अ एक्स सेल, एंड मेल ने भी अगर एक्स सेल दिया तो एक्स सेल दिया तो वो बच्चा जो बनेगा वो फीमेल बनेगा. तो मेल और फीमेल ये सारे 22 के 22 कोई भी मेल के ट्रेट्स देख लो, क्रोमोसोम देख लो, 22 के 22 सेम होंगे. लेकिन जो 23rd होगा मेल्स के अंदर XY होगा, फीमेल्स के अंदर XX होगा. दिस इज व्हाट आई सेड. इट इज क्लियर सर? सर वहां पे टॉप पे कह रहा है. हां सर, टैरोडेक लिखा हो उसको छोड़ दो. वो छोड़ दो. जींस. Genes are unit of heredity which transfer characters from parents to the offspring during reproduction. अब देखिए, suppose हो सकता है कि किसी बच्चे के अंदर एक ऐसे genes हैं कि उसकी genes are carries the characters. These are present in the DNAs of chromosomes. देखो cells के अंदर क्या होता है? Chromosomes. Chromosomes के अंदर DNA. DNA के अंदर genes. Genes जो है particular characters के होते हैं. अब सब किसी के अंदर, अब जीन्स काम कैसे करते हैं? जीन्स कौन सी? लेवाइस, ली, पेपे, जीन्स तो ये होती है क्या? बेल बॉटम वाली ब्रांड नहीं, हम उसकी बात कर रहे हैं. लोफर, बेल बॉटम, फटी हुई, क्या कहते हैं? पुअर पीपल जीन्स. मतलब गरीब आदमी चाहता मैं अमीर बनूं, अमीर आदमी चाहता मैं गरीब बनूं. राइट, सो हम्बल रिच पीपल, फटे कपड़े. क्या बोलिए? तो होमलेस होमलेस होता है, उसमें हम लोग ऐसे अच्छे लगते हैं. खाना भी ऐसा खा के देखो की आवाज आई फट से. यस सर, दिस इज कॉल्ड दिस. क्या बोली बेटा? हाँ नहीं नहीं मैंने तो सुना था, दोबारा बोलो. तो मैंने पूछा था कि वो एक टॉपिक से आया था, उसका पूछ रही. मैंने एक्सक्यूज में बोला था. बात बदल गई है. क्या बात करो? कैन यू स्विच ऑन द कैम? ठीक है. ओके, सो अब जीन्स वर्क कैसे करते हैं मैं थोड़ा आगे का बताता हूँ. किसी के अंदर जाइटिज्म के, एक नाइटिज्म होता है, उसके जीन्स हैं. सो हाइट जो भी होते हैं जाइटिज्म जिसको कहते हैं, एक नाइटिज्म. तो अब उसके जीन्स क्या करते हैं कि ये नहीं कि भाई मैं अंदर वो आ गया तो हाइट बढ़नी शुरू हो जाएगी. वो जीन्स एक्टिव हैं ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड. दे आर प्रोड्यूसिंग अ प्रोटीन. दे आर प्रोड्यूसिंग अ प्रोटीन विच इज ऑल्सो नोन एज हार्मोन विच ट्रिगर्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस मोर हाइट कॉजिंग. तो वो जीन्स का काम क्या है कि ये केमिकल्स, ओह माय गॉड, तो जीन्स का काम क्या है
कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं बॉडी के अंदर, वो जो पर्टिकुलर हार्मोन के लिए को ट्रिगर करते हैं, जिनके अंदर ये हार्मोन नॉर्मल होते हैं, जीन्स नॉर्मल है तो उनकी हाइट नॉर्मल 5'8" to 6'6" तक जैसे इंडिया की नॉर्मल हाइट मानी जाती है, और जिनके अंदर एक कम आते हैं हार्मोन, जीन्स कम होते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर ये प्रोटीन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होते हैं, जिसके कारण उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो जीन्स आर फॉर ऑल द कैरेक्टर, जैसे कि कईयों के हेयर फॉलिंग ज्यादा है, ये भी जीन जेनेटिक कॉज होता है। जेनेटिक कॉज मीन्स द कॉजेज इन द जीन्स, जीन्स उस चीज में एक्टिव है या नहीं। जीन्स वर्क सिर्फ जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल। अब हम बात करते हैं जीन्स की, जैसे कि मैंने दिखाया ये दोनों टीटी है, एक बड़ा टी टॉलनेस के लिए और छोटा टी ड्रॉपनेस के लिए। अब एक आया एक पेरेंट से, दूसरा आया दूसरे पेरेंट से, राइट। अब मैं आपको काफी सारा बता रहा हूं, और एक बार ऐसा भी हो गया और एक बार ऐसा भी केस हो गया, तीन तरह के केस बनते हैं आपके। जब दोनों बड़े टी थे तो 100% श्योरिटी है कि बच्चा लंबा होगा, टॉलनेस, दोनों के अंदर कौन सी चीज है, टॉलनेस, बच्चा लंबा होगा, वो ये नहीं बहुत लंबा हो गया, लंबा होगा। जब दोनों छोटे टी आ गए तो उसका मतलब छोटा होगा, जब बड़ा टी और छोटा टी है तो इसके अंदर से ये देखा जाएगा कि इसके अंदर दो तीन फीट वाले होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं। हाँ मत बोलो, मुझे बुरा लगता है, मेरी क्लास में मेरे को ही बोलने का हक है, पैसे मैं लेता हूँ बोलता हूँ। इसके अंदर अब दो तरह के चीज होती है, एक होता है डोमिनेंट जिसको मैंने बताया था लड़का, और एक होता है रिसेसिव। यानी कि अगर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों साथ आ गए तो कैरेक्टर्स जो बॉडी में दिखेंगे वो दिखेंगे लाइक रिद्धि और प्रवीण, जहां भी साथ आते हैं कैरेक्टर्स 90% रिद्धि के दिखते हैं। ये बहुत शांत है लेकिन इसको शांत समझो मत, राइट और रॉन्ग नहीं लगता ना, नोटिस करना, ये बोलती है ले मैंने को बोल जान लेती, देखा अगर मैं किसी बच्चे को आज तो बोलता हूँ बेटा तू बहुत शरीफ है, बोला है बाजार में सर को मैं शरीफ बोलता हूँ, बेइज्जती करती सर, कल बताता हूँ क्यों ऐसा है करते और बच्चों के अंशवी से पूछा नहीं कुछ और बोल था, थप्पड़ पिट जाएगी यहाँ से निकल जाएगा। Genes works in pairs and are responsible for that characteristic feature of an organism, either it's a plant or an animal. The characteristics or traits of parents are transmitted through their progeny. Progeny जो होता है, this word is known as offspring. अभी next दो तीन slides के बाद मैं इसके ऊपर आऊँगा, सारे words की definition आपको। Progeny is known as offspring. The characteristics of parents are transmitted to their progeny through genes present in their chromosome during the process of sexual reproduction. अब वो दोनों के genes, ये दोनों के genes parent offspring में आ गए, progeny में आ गए। अब बच्चा confused, भाई किसके character लूँ? मम्मी के लूँगा तो पापा नाराज कि बेटा तो मम्मी से प्यार करता है। पापा के लूँगा मम्मी के लीजा बेटा मम्मी पापा से है ना, ऐसे ही होता ना, करते हैं ना parents के बेटा तुम किसको प्यार करते हो? जब छोटे-छोटे थे तो parents बड़ा तंग करते थे ऐसे, बेटा पापा की साइड मम्मी की साइड है ना, बड़ा टॉर्चर होता है। बच्चे कहते हैं जिसकी भी साइड तो उनके आप फंस जाना, करते हैं सब वो मम्मी के साइड मेरे पास उससे उतरवाते हैं तो चॉकलेट टॉपिक। तो अब वो आने के बाद
बच्चा जो ऑस्ट्रोगेनी है किसके किसके ट्रेट्स कैरेक्टर कैरी करेगा अपने बॉडी में, इट डिपेंड्स ऑन द व्हिच वन इज डोमिनेंट, व्हिच वन इज डोमिनेंट. अगर हो सकता है कि दोनों के सेम कैरेक्टर आए हो, अगर दोनों के सेम आए हो तो हो सकता है ये केस आया हो या ये केस आया हो, समझ ले. अब सपोज करो दोनों पेरेंट्स के स्ट्रेट हेयर्स है, चांसेस क्या होंगे दोनों के स्ट्रेट हेयर्स वाले ही कैरेक्टर्स आए होंगे, तो बच्चे के भी 90% चांसेस है स्ट्रेट, लेकिन 100% श्योर नहीं है. हो सकता है कि मदर के अंदर, चलो हम वो बाद में देखेंगे, कंफ्यूजन होगा. जीन्स वर्क्स इन पेयर, द पेयर्स ऑफ जीन्स फॉर ईच कैरेक्टर. अच्छा ये हमारा हो गया, ठीक है. देयर इज अ पेयर ऑफ जीन्स ऑफ ईच कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म, वन इज डोमिनेंट एंड अनदर इज रिसेसिव. दिस इज क्लियर? यस बेटा बोलो. मैं अभी मैंने कहा ना कि मैं अभी ज्यादा नहीं जाऊंगा, कंफ्यूजन हो जाएगी. अभी आप ये समझो कि एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव. मैं इसको बहुत डिटेल में आपको, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं डेफिनेशंस के अलावा आपको कुछ लर्न नहीं करना पड़ेगा जब मैं इस पे आऊंगा. समझ डोमिनेंट और रिसेसिव को समझ आया? बेटा उनका कैरेक्टर है कि दो दो जीन्स है, एक के कैरेक्टर ज्यादा शो हो रहे हैं और दूसरा के कैरेक्टर कम शो कर रहा है. जिसके ज्यादा कैरेक्टर शो होते हैं तो वो अपने रिसेसिव के साथ आएगा, तो रिसेसिव अपने कैरेक्टर, जैसे कि आपने ब्लू कलर ज्यादा डाला और येलो थोड़ा सा डाला और मिक्स किया, तो किसका कलर ज्यादा दिखेगा? ब्लू, बिकॉज ब्लू इज हियर डोमिनेंट, परसेंटेज ऑफ ब्लू इज डोमिनेंट एंड येलो इज रिसेसिव. येलो के साथ अगर मैं येलो डालूंगा, यानी दो छोटे डाले तो कलर येलो दिखेगा, ब्लू के साथ ब्लू डालूंगा तो दोनों ब्लू, लेकिन एक ब्लू और थोड़ा सा येलो डालूंगा तो अगर येलो डोमिनेंट हो जाता तो यानी कि येलो की परसेंटेज ज्यादा है और ब्लू की परसेंटेज कम है, तो फिर हमें येलो ज्यादा दिख रहा है. समझाए थोड़ा सा? जीन्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स सच एज हेयर कलर्स, आईज कलर, स्किन कलर एक्सेट्रा इन द ह्यूमन. जीन्स control the development of characters in the progeny, right? Progeny samasya, that is means offspring. And the characters, you know that hair color, skin color, eye color, pura chapter hi beta wo tera racist hai. So maine uski each parent possesses a pair of genes for each character on a pair of chromosomes. Yani har ek chromosomes ke pair mein har character ka ek gene. There are 22 pairs of genes which carries the characters and one is for the determination of the gender, right? Each parent possesses a pair of genes for each character on a pair of chromosomes. However, each parent passes only one of the two. मैंने आपको बताया था एक parent के अंदर ऐसे दो chromosomes बने हुए हैं. Cell division से पहले क्या हुए? दो daughter उसमें change हो गए, right? अब जो हुआ तो एक के अंदर एक ये पेरेंट्स का आया और दूसरे पेरेंट से ये एक आया, गॉट इट? और ये भी एक दूसरा से बनता है ऐसे और ये इधर आते हैं. सो इसके अंदर जो दो आप देख रहे हैं, दो एक एक पेरेंट्स का है, दूसरा इन दोनों में से. अब जो जो प्रोगेनी है वो कौन सा कैरेक्टर दिखाएगा वो डिपेंड करता है इन दोनों में से डोमिनेंट कौन सा ज्यादा ताकतवर. डोमिनेंट मतलब लैंग्वेज आप वो समझ जाओ. So, हमने क्या बोला, the genes are in the DNA of the chromosomes. They controls the characters, inherited characters of their parents, right? The genes are transferred, each pair of each genes is transferred from the both parents, and each type of each characters of genes are in pairs. And one is from the mother cells and another is from the father cells. The progeny shows the character of that. That progeny shows that character when genes are dominant in nature. Got it? इसलिए हम कहते हैं किसी के eyes color mummy पे गए, तो यानी कि mummy का eyes color वाले genes क्या थे? Dominant. Father का eyes color वाले वहाँ पे recessive. ठीक है ना? Nose father पे गया, तो वहाँ पे father के nose वाले genes क्या थे? Dominant. They are more expressible over the recessive genes. Means recessive do not transfer. दोनों हुए हैं बिल्कुल best way में, लेकिन जो dominant है, their characters are more in their characters are more in functional than those second. Dominant hormones ज़्यादा release करता है. तो वही है.
सर आपने अगर नेल फाइल आपके हो गए हैं तो थोड़ा सा ध्यान है, मैं आ रहा था जगह नहीं थी थप्पड़ पड़ना, नेल फाइल हो गए आपके? मैं आपको बता दूं ये आपको ना दोबारा बार बार सुनना पड़ेगा, ये भूल जाओगे, इसके नोट्स भी थोड़े बनाओगे, अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू री लिसन टू दिस क्लास एंड मेक द नोट्स अगेन यू माइट नॉट बी एबल टू, यू माइट फॉरगेट द थिंग्स। समझ आ रहा है यहाँ तक? ये चीजें रिधि मैम तुम्हारे स्कूल ने क्लियर नहीं की, क्लियर है थोड़ी सी? सबको क्लियर है? Does a male gamete and female gamete carry one gene for each character to form a pair of to from the genes pairs of parents? यानी genes parents के जो genes हैं उनके पास भी pair थे, एक एक character के genes का, यानी जो pair थे एक एक के पास आया दूसरा दूसरे के पास, यानी कि जो gamete है उसके पास दो chromosomes हैं, वो कहाँ से आए हैं? From the pair of each parent gene, from the pair of each parent gene, यानी parents के पास भी pair थे, लेकिन एक parent दो में से एक ही एक cell को भेज सकता है। वो फिर pair था। हाँ, यहाँ से दो थे, ये नहीं कहेगा ये parents, ये नहीं कहेंगे दोनों मेरे जाएंगे क्योंकि मैं dominant हूँ, नहीं, वो एक एक cell में भेजते हैं, दूसरा दूसरे cell में भेजते हैं, same it happens there। देखिए, रुको, एक सेकंड, दोबारा समझते हैं। ये लाइन देखो, अ मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट कैरी वन जीन फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक, मेल गेमेट एंड, पहले आप ये बात सोचो, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट कैरी पेयर्स ऑफ जीन्स, दे कैरी द पेयर्स ऑफ जीन्स, राइट, ये बात क्लियर है? बट दे ट्रांसफर ओनली वन क्रोमोसोम वन जीन्स टू वन सेल, they transfer only one genes to one cell and thus the progeny receive the second genes from another parent to make it a pair. अब समझ आया? एक ही trait के दो cells बनाते हैं। हाँ, बड़े सारे cells बनते हैं, उसमें से काफी सारे fuse हो जाते हैं जो work नहीं करते और एक ही action में रहता है जिसे एक genes होता है। बेटा दोनों ही होते हैं, अब उसमें से कौन सा आया वो हम आगे देखेंगे, कि हमें नहीं पता कि पेरेंट जो बच्चे हुए कौन सा है, लेकिन एक जीन्स आएगा। मैंने आपको बताया ना कि जैसे कि एक बच्चा है उसके बाल कर लिए, उसके हेयर्स कर लिए, लेकिन उसके मदर के भी बाल स्ट्रेट थे, फादर के भी बाल स्ट्रेट थे, तो अब हमारे माइंड में आया कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, फादर के भी कर्ली हेयर्स के जीन्स आए होंगे, मदर के भी आए होंगे, राइट? तो हम ना थोड़े हिस्ट्री में गए थे, हम कहाँ गए? हमने देखा कि जो मदर है उसके यहाँ पे दोनों के हेयर्स, उनकी मदर में ये मदर है, ये ध्यान देना, ये मदर है, ये भी स्ट्रेट हेयर्स है, ये भी स्ट्रेट है, एक उनके मदर के भी यानी उस बच्चे के नाना और नानी के, और जो फादर है उनके पास जो आए थे एक ये था स्ट्रेट का और एक था कर्ली का, तो यहाँ पे बहुत सारे चांसेस बन सकते हैं कि बच्चे के हेयर्स कर सकते हैं, अगर ये और ये मिल जाते हैं, ये और ये मिल जाते हैं, तो यहाँ पे भी नहीं पता स्ट्रेट बनेगा कर्ली, यहाँ पे ये देखा जाएगा कि भाई डोमिनेंट कौन सा है, समझाने के लिए बात किया, हो सकता है फादर के दोनों सी सी हो, सी एस ओ की डोमिनेंट कौन सा नहीं है, अभी हम हो सकता है ना कि जो फादर का एसओ सी है उसमें एस डोमिनेंट, अभी हम उसमें मत जाओ, अभी मैं जो आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ कि क्या क्या कैरेक्टर्स बन सकते हैं, वरना मुझे इसके चार बनाने पड़ेंगे, इसमें भी मुझे एसओसी करना पड़ेगा। अब देखो ऐसा हो सकता था, एसओसी पहला ये और ये मिले, इन्होंने पेयर बनाया एस और एस, ये और ये मिला एस और सी,
फिर ये और ये मिला एस और सी, ये और ये मिला सी और सी। जब एस और सी में स्ट्रेट हेयर से ये भी स्ट्रेट है, यानी कि जब कर्ली और स्ट्रेट हेयर से दोनों जीन्स अब पेयर में थे तो कौन से जीन्स आ रहे थे पेरेंट्स के स्ट्रेट हेयर से, यानी स्ट्रेट इज डोमिनेंट, यानी कि यहाँ पे भी स्ट्रेट डोमिनेंट है यहाँ पे, यानी कि अगर स्ट्रेट के साथ कर्ली हेयर के जीन्स आएंगे तो बाल कौन से आएंगे बच्चे के स्ट्रेट, तो ये केस में तो वैसे दोनों स्ट्रेट है यहाँ भी स्ट्रेट है तो ये केस बना। तो अब जो बच्चे के कर्ली आए हैं तो हमें हम क्या पूछते हैं, तुम्हारे घर में भी किसी कर्ली है, वो बच्चा कहते हैं मेरे मामा मामी, यानी कि उनके पेरेंट्स के अंदर कोई एक डोमिनेंट ट्रेट रिसेसिव ट्रेट से जो किसी नेक्स्ट जनरेशन में जाके वो पेयर में इस तरह से बने कि वो फ्रंट में शो होने लगे। तो इसको फिनोटाइप कहते हैं, इसको फिनो किसी फिनोटाइप होगी 3 रेशियो बाय। हां अभी हम आएंगे आराम से आते हैं मेरे पास ये वाला बच्चा। फिर क्या नहीं समझा आपको समझाने के आपको देखो होता है fuses with a female gamete during fertilization, they make a new cell called zygote with a full set of this zygotes grow and develop into new organism having characters from both the parents which it has inherited from the genes. The two genes responsible for a particular character are always present in the corresponding position of the chromosome. Corresponding position matlab भाई एक पर्टिकुलर करेक्टर वाले दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, दे आर विद द कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन, एक साथ होंगे, ये नहीं कि एक पेयर अलग अलग बन गया, ब्लू आईज और स्ट्रेट हेयर पेयर नहीं बना सकते, राइट ये क्या होता है, अगर स्ट्रेट हेयर और कर्ली हेयर साथ होंगे या जो भी हेयर के करेक्टर है वो साथ होंगे, आईज के पेयर दोनों के एक साथ होंगे, नोज के एक साथ होंगे, गॉट इट, तो इंटेलिजेंस के भी पेयर साथ होते हैं बेटा, क्यों That is acquired. समझ गए हो? Intelligence can be acquired. लेकिन जिनके parents intelligent होते हैं, बच्चों में genetically intelligent होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो अगर traits acquired हो जाए intelligence के, तो तेंदुलकर का बेटा और अच्छा batsman होना चाहिए, right? है ना? Film star का बेटा और बड़ा अच्छा star होना चाहिए। That is not. हाँ? Intelligence ही ऊपर ही है इसके। भाई जो जितना टैलेंट उसके जो अच्छे डेवलप करेगा ना, he is into cricket, cricket is an intelligence game, mind eyes hand ये रिदम बड़ी अच्छी होनी चाहिए, मेरे को तो 90% बॉल जाने के बाद समझ आती है जब मार दी ऐसे काम मार दी, तो I'm not that intelligent in that game, so got it sir. हम लोग अपने आप में साइंस के हिसाब से देखो तो हमारे अंदर कोई आत्मा नहीं है, एक दिमाग है जो हमें जिंदा, दिमाग और दिल है जो हमें जिंदा कर रहा है, दिल हमें शक्ति दे रहा है, दिमाग हमें फीलिंग्स दे रहा है, जिसकी फीलिंग्स कम होती जाती है, जिसका माइंड ने डेवलप नहीं किया प्रॉपर, तो हम उसको कहते हैं पागल, बहुत चीजें भाई इतना कुछ है हमारी बॉडी के अंदर, बट सर लगवाते हैं वैक्सीन
पापा मम्मी क्या कहे चश्मा था तू तू अंधी नहीं हो सकती क्योंकि तेरे जेनेटिक है आंखों वाले ठीक है मैं पेन मारूंगा आंख के अंदर तेरी आंख नीचे गिरी और उड़ के तेरी आंख दोबारा लगेगी क्योंकि तेरे मानती है बात मानती है किसी को एक्सीडेंट में उसका हाथ टूट गया फ्रैक्चर हो गया तो जेनेटिक नहीं है कि आने वाली जनरेशन है हाथ टूट रहा है एक्वायर्ड है भाई वो उस टाइम हुआ था बस ठीक है वरना पता चले लंगड़ा खानदान के नाम से सर्दी में वो मूवीज में होता है ना वो लंगड़ा उस्ताद लंगड़ा गुंडो के नाम ऐसे होते हैं ना कुछ एक वो होता था क्या नाम है कॉमेडियन है कर्ली हेयर्स वाला की डिजाइनर कोई रेसिस बड़ा ब्लैक सा है वो जॉनी लीवर वो ऐसे ऐसे नाम रखे गुंडा बन के घूमता था वो कई मूवी में देखा है ओके दैट टू जीन्स ऑफ द सेम ट्रेट सेम लेंथ आर प्रेजेंट इन द कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ द for each trait from its parents. But the trait shown by the progeny depends on which inherited gene is dominant of the two. जो उस पर दोनों आए उसमें से कौन सा dominant है उसके trait की progeny show करता है. This is okay to everybody? Yes, sir. Sure? Yes, sir. If a plant progeny inherits the genes for tallness from one parent and the genes for dwarfness from the other parents, ठीक है capital T और ये small t था sorry. Then it will show that the trait of tallness and become a tall. This was a small t. Because हमने tall को क्या बताया है dominant है और small को भी अभी हमने इसलिए बताया है. Sir, हम identify जैसे करते हैं कोई dominant show नहीं है. देखो क्या बनता है. इतना nails. Sir, इस side के सब ने काट लिए यहाँ से. ये कटे हुए हैं. Sir, देखो ये वाले बड़े हैं. बेटा अच्छा उससे बड़े हैं. आपकी मम्मा काटते हैं ये तुम्हारे ना जो एक्वायर्ड ट्रेट्स है ना दे आर वीक आपकी मम्मा काटते बेटा नहीं करते वो कटे दिख ना बेटा कटे हुए छोटे आज हाथी के साथ दूसरे आदमी गधा बनाए रिद्धिमा दिखाइयो तू शांत हो मेरे भी हां मैं देखा तेजी देव के अभी ना ये बिल्कुल काम पे लग गई बिल्कुल ये साइड अभी हुई है हां मेरा साइड हो गई वरना बीच में बैठी हुई थी इतना तो मेरे को समझ आ ही जाता नहीं वो देख बैठे बैठे नेल फाइल भी कर गया सर नहीं वो बेटा कैसे नेल पे कुछ जैम जूम लगी थी रात की नहीं मैं तो ये बोलना चाहता था ना ये नाक लगी हुई थी इसकी लेकिन अब बोलो मैं और मूड खराब करूं सो नेल विल भी कट डाउन सर जींस वेयर दे नहीं है सब मेरे बच्चे इतने पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है तो नेल बड़े हो हमारे है ना ये अच्छी हो चाहिए तुम देखा ना गुड गुड ये तीन चार पांच छह फुल में वो हाथ दिखा बड़े बड़े गुड ये सारे बच्चे अच्छे अच्छे तुम दोनों सर कटिंग हो गया सर हाँ पॉकेट में नहीं कर रहे हो ये तो कर रही बेटा तू ऐसे तो नहीं क्लास में बैठे हो दो दिन डेस्क छोड़ के बच्चों को ऐसे करके नेल
ऐसे नहीं नहीं अरे नहीं ऐसे करके आगे वाले बच्चे को पीछे से तंग किया कार्तिक ने काटने कल बेटा उसने कल आएगा तो काटूंगा तो आज आओ कहता मैं कल को काटने लगा कल लेकिन वो आज में कन्वर्ट हो गई मैं कल काटूंगा है ना बेटा आज ट्यूजडे है नहीं बेटा शिव जी की पूजा करता है ऐसा क्या पता मुझे वो काले ब्लैक देखिए ब्लैक है देखते हैं उसको देख ले एक बार सर देखो एक बार नहीं देख रहे कहां से ब्लैक सर ऐसे कैसे करते हैं ऐसे कैसे देखते हैं क्लास के बाद मुझे याद दिलाना इसको क्लास के कैमरे में पूरी क्लास के आगे नेल देखेंगे ये क्यों How do genes control the characteristics or the traits? I know the PPT is not that much, but I'm okay with it. But both come time mila tha, so usi se. The same character of genes can be of two types. One is dominant and another is now the genes which decide the appearance of an organism even in the presence of alternative genes is known as dominant genes goes over the genes which decides its presence in the presence of alternate genes alternate means dusra genes which is so that gene is known as dominant for recessive genes hai na The genes which can decide the appearance of an organism only in the presence of another identical gene. यानी कि छोटा t के साथ होगा तभी बेचारा अपने बारे में दिखा सकता है. तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? Recessive gene. It is okay? Yes sir. भाई, dominant जो है, ऐसा होगा ना, तभी tolerance ही आएगी. लेकिन ये बेचारा dropness कब आती है? जब दोनों सेम होंगे जैसे कि सोचो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हो तो पूरी क्लास में हुड़दंग मचाया होगा सपोज तुम दोनों डोमिनेट हो 80% क्लास के आगे डोमिनेट हो लेकिन तुम्हारे लिए तुम ताकतवर तभी हो जब तुम दोनों साथ हो जब तुम अकेले रह गए और तुम्हारा दोस्त नहीं आया और क्लास हैवी है तो तुम्हारे कैरेक्टर्स दिखेंगे तो एक्चुअल में तुम रिसेसिव हो क्योंकि तुम अपने ट्रेड्स तभी शो कर पा रहे हो जब तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसा दूसरा साथ कर रहा है डोमिनेंट कौन हुआ चाहे वो अकेला है चाहे किसी के साथ है उसी के कैरेक्टर शो हो रहे हैं दैट इज डोमिनेंट गेटिंग इट डोमिनेंट कौन हुआ कि एक के साथ भी वो ऐसे ही ट्रीट कर रहा है और दूसरे के साथ भी अपने ट्रेड्स वैसे शो कर रहा है और रिसेसिव हुआ जब वो उसके जैसा और दूसरा होगा उसको अपना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है तभी वो कह रहा है कि भाई मेरे ये कैरेक्टर है जैसे इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ किड्स Right? वो रिसेसिव में मैं दे आर नॉट रिसेसिव बट मैं कह रहा हूं एक है कि जब उनको एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर मिलता है ना देन दे शो देयर कलर्स उनके बेस्ट फ्रेंड्स को पता है कि सर देखने में बहुत सीधा है नहीं प्लीज गर्ल को मत देखो सर ये बात समझ आई है सबको ये बात जैसे मैं हूं मैं डोमिनेंट हूं मेरे साथ अकेला हो कोई हो मैं ट्रेन में भी होता हूं लोग जो चुपचाप बैठे खेलने लग जाते तो खेलिए ऊपर वाली किसी भी सीट के ऊपर चढ़ जाओ छूट जाओ तो इट इज अ कैरेक्टर्स अब डोमिनेंट और रिसेसिव समझ आ गया सो रिसेसिव जीन्स कैन ओनली शो इट्स प्रेजेंस योर कैरेक्टर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स आइडेंटिकल जीन्स बट डोमिनेंट कैन शो इट्स कैरेक्टर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स आइडेंटिकल और इट्स ऑल्टरनेट कोई भी जीन होगा उसके सामने अगर जो अपने कैरेक्टर्स दिखा रहा है वो डोमिनेंट है अब जैसे कि अब हम बात करते हैं फिर से तुम्हारी बात ही पूछते हैं तुम अपने दोस्त के साथ क्लास के गुड्डे कोई भी आ जाए तुम दोनों मिलकर पीट देते हो तुम्हारा दोस्त नहीं आया तुम्हें लोगों ने पकड़ लिया तुमने कहा ओ वो नहीं आया कम मत समझियो अकेला भाई 10 पे भारी आओ सामने कौन है पंगा लेने वाला तो इट मींस तुम अकेले भी अगर उनके ऊपर अपने कैरेक्टर शो करो देन यू आर डोमिनेंट इफ यू आर नॉट एबल टू शो कि कहां गया भागूं यहां से राइट मैं समझ रहा हूं बोर हो रही है थोड़ी सी क्लास लगी है The dominant gene is represented by single capital letter and the corresponding recessive gene is represented by the corresponding character. Red को हम एक को R दिखाएंगे और
ठीक है, व्हाइट या राउंड और रिजन को हम इस ओ सॉरी बड़ा डब्लू और छोटा डब्लू, बताओ बड़ा डब्लू कहां था? सेंट सेबेस्टियन घाट। बड़ा डब्लू कहां था? बड़ा डब्लू सेंट सेबेस्टियन गार्डन गोवा में। नहीं डबल धमाल, अरे डबल धमाल तो दुबई में बनी थी ना। सेंट सेबेस्टियन गार्डन गोवा ज्यादा है तो बड़ा डब्लू और छोटा डब्लू यहाँ भी है। In a plant, the dominant genes for tomlinson is T and the recessive genes will be small T. This is clear? Yes, sir. अब कुछ important words है genotypes. Genotypes is the description of genes present in an organism. Genotypes is always. अब हमने कहा कि the organism is tall and its all offspring are tall. So its genotype might be capital T, capital T. या हम अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर कौन कौन से जीन्स हो सकते हैं, इसका मतलब है कि इसके अंदर कौन कौन से जेनोटाइप्स हो सकते हैं। जब जेनोटाइप है रहा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल एंड स्मॉल टी एंड पेयर्स ऑफ जीन्स आर नोन एज जेनोटाइप। सिंपल वर्ड पेयर्स ऑफ जीन्स आर नोन एज जेनोटाइप। यार ये क्या है उनको रिप्रेजेंट ऑफ द पेयर ऑफ जीन्स रिप्रेजेंटेड द वे दे आर रिप्रेजेंटेड आर नोन एज जेनोटाइप। एक एलील जीनोटाइप रिप्रेजेंट करती है, पता नहीं सर स्मॉल टी कैपिटल टी हो सकता है। यार हम हमेशा पहले कैपिटल लिखते बाद में स्मॉल लिखते, आगे पीछे का मैटर नहीं करता ना। सर पूछ रहा हूं ट्रेट एग्जिस्ट कर सकता है। यार आप ऐसे लिखो ये हमने लिखे जीन्स तो ऐसे ही सेल्स के शॉर्ट में ही होंगे ना। अच्छा ऐसे पढ़े ऐसे बता कौन सा इसमें डोमिनेंट है रिसेसिव है। And as a genotype for tall plant can be TT and capital T and small T. ये मैंने बता दिया कि अगर genotype याद रखना if the dominant is capital T तो tall T के वो कौन से होंगे genotypes? It can be capital T and capital T and capital T and small T. What would be the genotypes of a dwarf tree? आप बताएंगे बस आप लिखते देखो स्मॉल टी एंड बिल्कुल ठीक है सही है। देखो देखो भी था ना पढ़ेंगे तो नियर से रहें। देखो फेनोटाइप्स द कैरेक्टर विच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फेनोटाइप। जेनोटाइप्स क्या हुए कौन से जीन्स है फेनोटाइप्स कैरेक्टर्स को कहते हैं। For example, plant being tall or dwarf for the phenotype. So, हम कहेंगे, if the genotypes are T and T, then its phenotype will be tallness. If the genotypes are T and T, then the phenotype is tallness. And if the genotypes is T and T, then it is okay to everybody? Yes, sir. Oh, yeah. Sir, to ask about the genotypes, so it's tall and T and T. So, that is for dwarf tree. What is it for dwarf tree? अरे वो ये नहीं है ये दोनों टॉलनेस का ये ड्रॉपनेस का। टॉलनेस का मतलब ये टॉलनेस वो वाली नहीं लंबाई को हम देखो तो कितना लंबा है तो मैं बोलूंगा तो लंबे का हो चाहे एक फीट का इंसान हो चाहे दस फीट का हो मैं लंबा पूछूंगा ना तो टॉलनेस। यहाँ पे हम करेक्टर की बात कर रहे हैं करेक्टर इज टॉलनेस करेक्टर है टॉलनेस। अब नाउ दैट टॉलनेस के अंदर दो हो गए एक टॉलनेस और एक ड्रॉपनेस। हाइट हाइट इज अ करेक्टर हाइट को हम यहां पे क्या कह रहे हैं टॉलनेस। समझ आई ये जो टॉलनेस है ना दिस इज फॉर हाइट। जेनेटिक कैन बी टी टी बिग टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। समझ आई बात ये? यस सर। श्योर? यस सर। कितनी लंबी क्लास है? 2:30 हां यार अभी हमने बात की एक डोमिनेंट है जो डोमिनेंट होगा तो जो डोमिनेंट होगा उसके कैरेक्टर्स दिखेंगे। ये बात हुई ना 50% कहां से आई? अच्छा याद रखना इन जीन्स के बारे में और बात खास है कि हमने बोला कि सर एक लॉन्ग टी है और एक स्मॉल टी आया। लॉन्ग टी से जो हाइट निकल रही है 10 फीट और स्मॉल टी से निकल रही है 2 फीट। 10 + 2 = 12, 12 / 2 एवरेज निकाल के इंसान 6 फीट का होगा? नहीं। जेनोटाइप्स नेवर इंटरमिक्स।
याद रखना द जीन्स नेवर इंटरमिक्स, या तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा, एवरेज नहीं बन सकता. Keep this point in mind. Phenotype of our organism is a physical characteristic which is determined by its genotype. So phenotype is described by its genotype. If a plant genotype is big T, small t or TT, then the phenotype is tall. And if the genotype is TT, the phenotype is tall. Yes, sir. F1 generation, now we have two F1 generation, the two parents mile. Jab two parents mile aur unki jo offspring hui, प्रोगेनी हुई, तो वो जनरेशन कहते हैं जनरेशन वन, F1. क्या कहते हैं उसको? Right. और वो हाइब्रिड जनरेशन होती है. अगर प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, the event two parents cross to produce progeny, then the progeny is called F1 generation. और F1 generation को जब हम क्रॉस ब्रीड करते हैं और उसके बाद जो जनरेशन प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं F2 generation. भाई दो प्लांट्स लिए पहली बार अलग अलग कलर, जैसे एक अपने पीस का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एक आपने लिया येलो पीस और एक लिया ग्रीन पीस, दोनों को क्रॉस ब्रीड कराया, तो जो नया प्लांट बनेगा वो होगी F1 जनरेशन. अब वो जो F1 जनरेशन के प्लांट्स को आपने जब क्रॉस ब्रीड कराया, वो जो प्लांट्स बनेगा वो F2 जनरेशन. सब में होता है. When the first generation crossbreed among themselves to produce second generation progeny, then this progeny is called second filial generation or F2 generation. This is okay? Yes, sir. Okay. अब Mendel's contribution को हम सोच रहे हैं कि next class में करें. क्या कहते हैं Mendel's? You do not know that I am coming from Ambala right now, direct. And then I have the continuous classes right now till 9 o'clock. Because Mendel's logic is that if I can go for it, abhi energy hai, but there is a confusion. Aap cover nahi kar paye. Aapne kiya hua, so you can do it. But rest of the people who haven't done it, they might not be able to do it. So Mendel ne kya kiya? Dekho Mendel ke baare mein kya baat kar? Thoda sa batata hu. Mendel is the first person. Isne इस जनरेशन इंटरलिंक क्रॉसब्रीड करके प्लांट को नई जनरेशन के बारे में बताया और उसने डिटेल बताई कि जेनेटिक फीचर्स के. लेकिन उस टाइम जब उसने बनाया था तो उस टाइम जीन्स नहीं होते थे, तो उसने नाम था पैक्सकस, उसने नाम लिया था पैक्सकस. और उसने बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर किया था, लेकिन सबसे ज्यादा प्लांट पे, यानी मटर के प्लांट पे उसने किया था. क्यों किया था इसके ऊपर भी क्वेश्चन था, व्हाई डिड ही चूज द पी प्लांट. And easy to cross breed. We are going to work on it in the next class tomorrow. Most probably we are going to keep the class at 9 or 9 a.m.